नगर परिषद अररिया वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी जहाना खातून के प्रतिनिधि मोहम्मद तनवीर ने अपने नगर की तरक्की के लिए कानूनी जंग न्यूज चैनल को दिया खास इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए जानते हैं नगर परिषद अररिया के क्षेत्र संख्या 27 से महिला प्रत्याशी जहाना खातून के प्रतिनिधि मोहम्मद तनवीर से इनका परिचय। अपना नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद तनवीर आलम। मैं वार्ड नंबर 27 का प्रतिनिधि हूँ वार्ड पार्षद पद से। महोदय, अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो क्या विकास करेंगे वार्ड नंबर 27 के लिए? सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा कि मैं अपने वार्ड में प्राथमिक विद्यालय का उपलब्ध कराऊं, जो पिछले 10 साल में कोई नहीं करा सका। आपके वार्ड की स्थिति महोदय सड़क के मामले से बड़ा दुर्दशापूर्ण है, इस पे आपका क्या ख्याल रहेगा, क्या सोच रहेगी आपकी? बिल्कुल बेहतर रहेगा और अच्छे से अच्छे करना चाहेंगे हम। 10 साल में कुछ रोड टूटा फूटा हुआ है, कुछ रोड जहां पानी का निकासी नहीं है उसमें नहीं, उसमें मेरा खास तौर पे ध्यान रहेगा। नाले निर्माण के क्षेत्र में आपकी क्या निगाह जाती है महोदय? जी, नाला कुछ भी नहीं है, जल निकासी नहीं हो पाता है। 1 फीट 1 इंच का गहराई नाला, 1 बित्ता भी मतलब पानी नहीं रहता है, निकासी नहीं हो पाता है, जल निकासी कुछ भी नहीं है, एकदम नाला के ऊपर पानी बहता है। बहुत लोग पूरा वार्ड वासियों परेशान रहते हैं। महोदय से जानते हैं इनके वार्ड में राशन किस प्रकार से यहाँ की गरीब जनता को मिल रहा है? जी, राशन कार्ड का स्थिति इतना खराब है कि बहुत राशन कार्ड, बहुत लोगों का राशन कट रहा है। 10 किलो कार्ड लेते हैं, कभी फिंगर नहीं लिया जाता है, राशन समय पे नहीं मिलता है, पूरे गरीब लोग बहुत परेशान रहते हैं। आपकी जीत अगर होती है महोदय तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन पे आपका क्या ध्यान रहेगा? जी, पूरा ध्यान रहेगा इस पे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक भी आदमी जो है इससे छूटे नहीं, मेरा पूरा कोशिश रहेगा इसमें। अब वार्ड नंबर जी उसमें भी हम विकास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा वार्ड सबसे सुंदर हो। जी महोदय से जानते हैं इनके वार्ड में कोई आंगनबाड़ी केंद्र भी है क्या? जी, दो है, सही से काम नहीं हो पा रहा है, सही से लाभुकों को अनाज नहीं मिलता है, बच्चे लोगों का कहीं जी पोशाक नहीं मिलता है, पोषाहार भी नहीं मिलता होगा, आहार भी नहीं मिलता है। जी, जब जाता है लोग तो बोलता है कि अभी नहीं आया है, अभी आएगा तो फिर आपको कह दिया जाएगा, खबर कर दिया जाएगा। इसी तरह करते करते 2-3 महीना टल जाता है। विशेषकर आपके वार्ड में शहर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ईदगाह है और इसमें सार्वजनिक शौचालय नहीं है, तो इस पे आप क्या कदम उठाएंगे महोदय? कुछ भी नहीं है, हम आएंगे तो शौचालय इस्तंजा खाना जरूर करवाएंगे। और किन किन क्षेत्रों के विकास पे आपकी निगाह जा रही महोदय अगर आपकी जीत होती है तो? जी, आवास योजना, वृद्धा पेंशन, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद अंबेडकर वास, सब पे खास नजर रहेगा। रोड नाला सब चीज से लोग वंचित है। आपके जीत के बाद इन लोगों को सब चीज की सुविधा फराहम की जाएगी? जी जी बिल्कुल, हम वादा करते हैं सब लोगों से कि किसी भी शिकायत का मौका किसी को नहीं देंगे। आगामी विजयादशमी के शुभ अवसर पे पूरे अररिया वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे महोदय? ढेर सारे शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे वार्ड वासियों, पूरे नगर वासियों को। महत्वपूर्ण वोटर से इनका परिचय बैठे सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि बारिश के मौसम में अजरजरी रोड में, पानी लगी हुई रोड में आप किसी तरह से झेल करके आज तनवीर के ऑफिस में आने का कष्ट किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महोदय से जानते हैं कि आपके प्रत्याशी जहाना खातून कि किन विचारों पे आपने इनके कार्यालय में आने का कष्ट किया? ये आजकल का जमाना है युवा पीढ़ी का है। जी जी, और युवा पीढ़ी को सब लोग चाहता है जी। सभी को हम लोगों ने देखा है और मौका दिया है, इस बार बदलाव चाहते हैं। इसी बदलाव की कड़ी में आप तनवीर आलम को पहला प्राथमिकता देते हैं? जी, पहला दे रहे हैं। और युवा है, कोई भी पावर में नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने जो काम किया है जो काबिले गौर है,
रात को 12 बजे भी इसको किसी ने याद किया है, अपना तन मन धन अपनी गाड़ी से बेघर सेल्फ कर लोगों को मदद किया है, बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने की मदद किया है, अपने जेब से नहीं हो तो 10 सर्किल से पैसा लेकर के कई लड़का को मदद किया है, पूर्णिया में ऑपरेशन कराया है। इस विचार को देख करके हमने इरादा बनाया है पूरा समाजवासी में मिल करके कि इस बार इनको भारी मतों से विजय बनाना है। और तनवीर आलम भी उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अगर विजय बने तो सबसे पहले हमारे मोहल्ले के अंदर में एक स्कूल को लावें। हमारी मोहल्ले में स्कूल है सरकार की नजर में, लेकिन वो अररिया ककरवा बस्ती में चल रही है, स्कूल नहीं है, किसी तरह का कोई भी लेटरिन नहीं है, पेशाब खाना नहीं है, बिजली का ढंग नहीं है और भेपर नहीं जल पा रहा है, ये सब का बहुत समस्या है। और सबसे पहले हमारी एक समस्या है कि हम हार्ट ब्लड प्रेशर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, बाईपास सर्जरी, और हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको राशन लेने जाते हैं तो अभी 2 महीने का राशन में 20 किलो काट लेता है, जब 1 महीने का मिलता है तो 12 किलो काट लिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई पदाधिकारी देखेंगे इसको, कोई आला अफसर देखेंगे अगर, तो हमारी प्रार्थना को जरूर कबूल कीजिए, कम से कम ये जो राशन कट रहा है हमारा, ये हम लोग गरीब आदमी का राशन कटना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि राशन कटना बंद करवा दीजिए। आइए जानते हैं इसी वार्ड नंबर 27 के युवा पीढ़ी से ये क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेके। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल आलम हुआ, वार्ड नंबर 27 के, इस वार्ड के प्रत्याशी जो मेरे कैंडिडेट है तनवीर आलम, मैं उसको भारी मतों से और युवा के संगठन से मैं इसको जिताना चाहता हूं। और ये मेरे युवा जो है, ये मेरे बहुत अच्छे नेता है, युवा है और मेरे वार्ड का समस्या मददगार है। ऐसे किए हैं, ये ऐसे नहीं किए हैं कि मतलब ये आंखों ने देखा है और मेरे साथ भी ये मेरे समस्या में जो भी परेशानी हुआ मेरे साथ वो चल करके मेरे साथ में आया है। मेरे वार्ड में बहुत ऐसा समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हो चुका है, जैसे इंदिरा आवास वगैरह वगैरह हो, कोई भी ऐसा फंड हो, वो ऐसा अभी तक नहीं मिला है। मैं इसे निवेदन चाहता हूँ ये, ताकि तनवीर आलम भाई को भारी मतों से जीता है, और इंशाल्लाह ये उम्मीद भी करता हूँ ये जीतेंगे तो इंशाल्लाह गरीबों का साथ देने वाला है और गरीबों का साथ देता है, हर मदद में हर लाचार में ये काम आते हैं। मैं आपका आइए इसी वार्ड नंबर 27 की एक और नई पीढ़ी के लड़कों से जानते हैं इनके नज़र पर क्या है जहाना खातून का रोल। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तनवीर भाई जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, अगले बार भी हार गए थे कुछ वोटों से, कुछ तो गलती हुआ होगा, थोड़ा बहुत सेकेंड आए थे, मगर इसी बार जो है उनको भारी मतों से जिताना है, चाहे जैसे भी जीता है, पैर पकड़ के हो, हाथ पकड़ के हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी बार किसी तरह भी इनको निकालना है। बहुत दुख झमेला देखा हमने अपने बस्ती में, लाइट का हो, 12 बजे रात में मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ वार्ड कमिश्नर के घर पे जाते तो खुलता नहीं है गेट, ढकढका दे परेशान हो जाता है, बूढ़ा बेचारा बुढ़िया लोग सब परेशान हो जाता है, गेट नहीं खोलता, बीमार है, ये है वो है, यही सब बात है। इसलिए इसी बार जो है तनवीर भाई को जिताना है किसी भी हाल में, इसी बार उनको।